वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती हैं आपको खुशामदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी के साथ आपको बहुत कुछ और भी देखने को मौका मिलेगा, लेकिन सबर कर जाए। पहले आज देखते हैं कि ब्यूटी सेगमेंट में आप क्या सीख रहे हैं। तो मेरा दिल करता है कि ऑफ कोर्स वो ब्यूटिशियंस जो PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर आती हैं, वो कुछ ना कुछ बहुत क्रिएटिव काम आपको दिखाते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और चलती हूँ अपने ब्यूटिशियन की तरफ, ब्यूटी एक्सपर्ट की तरफ, जो आपको प्रेजेंट भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो कौन मौजूद है? सबसे पहले मैं हिना कोमल से मिलवाती हूँ, फ्रॉम एच के सलोन से। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम, आई एम फाइन एज यूजुअल, डमी के साथ खड़ी हूं। और यकीन करो आपके मैं क्या कहूँ, PBI ऑर्गेनाइजेशन की 700-800 ब्यूटिशियंस हैं माशाल्लाह, तो वो सब आपको बहुत लाइक करती हैं, आपके हेयर स्टाइल नो डाउट। ये देखें, अब ये एक नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये डमी पर मौजूद है, तो ये है इनका। और आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल सा बटरफ्लाई, बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे पार्टी में, पार्टी में जो पोनीज वगैरह बनाते हैं ना, पोनीज के वगैरह बटरफ्लाई यहाँ पे आएगी, बिल्कुल सिंपल। ये कौन सा स्टाइल है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। ये आगे से ब्रेड है सिंपल, और पीछे से जोड़ा है, ये साड़ियों पे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अब तक जो मैंने सिखाई है सारी ब्रेड सिखाई है, सारी ब्राइडल स्टाइल सिखाई है, तो मैंने कहा जूड़ा कोई नहीं होगा, आज का जूड़ा बना के दिया। सिखा नहीं रही हो, बता रही हो हमें, हमारे लुभा रही हो। एक नई टेक्निक बता रही हूँ ना, बटरफ्लाई, जो बिल्कुल सिंपल से बन जाएगी, बिल्कुल बहुत इजी टेक्निक है, क्योंकि टाइम ये ना हो कि आपका फिर रह जाएगी। तो आप अच्छा, आपके ऊपर कैमरा बार बनाते हैं, बस मुझे इसकी स्टिक की जरूरत होती है कि आप स्टिक से आप बनाएंगे। अच्छा। स्टिक को हम लोग ने यहाँ पे इसके साथ लगा देंगे, स्टार्ट इनिशियल बता दे, बस मैंने ये स्टिक यहाँ रख दी है। अब यहाँ से लेयर्स लेके मैं सिंपल जो है ब्रेड बनाऊंगी, 3 स्टैंड ब्रेड, ओके, और एक एक लेयर्स इसमें ऐड करती जाऊंगी, लेकिन जो ऐड करना है वो मुझे इसके ऊपर से ऐड करना है। अच्छा, ये भी जबरदस्त टेक्निक है भाई, बहुत सिंपल सी, बहुत जल्दी बन जाता है। एच के सलोन से हिना कोमल मैं इधर में मौजूद है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि बहुत जबरदस्त, मैं इनको भी कह सकती हूँ शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट कह सकती हूँ भाई, अब तो कह सकती हूँ, मुझे मालूम है आप ब्राइडल भी बनाती हैं, और नो डाउट बड़ी प्यारी बनाती हैं, तो ये तो आपकी मतलब प्लस पॉइंट है। कुछ लोग इतने एक्सपर्टीज नहीं है उनकी होती है कि वो इतने एक्सपर्ट हो, प्रैक्टिस मांगती है। अच्छा, मैंने लेयर ली और इसके ऊपर से मैंने इसमें ऐड कर दी, गुड है टेक्निक। मैंने देखा बाहर मुल्क में कुछ लोग, बेशक वहाँ पे जुड़े नहीं इतने बनाए जाते, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो लोग सिखाते हैं फेसबुक पे, लाइक कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, और मैं कहती हूँ हमें जरूरत ही नहीं, हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है। लेकिन एक चीज है, जब आप यूट्यूब पे बनाते हैं ना, तो उसमें आप सीख नहीं पाते, उसमें जो टेक्निक मेन टेक्निक होती है ना, वो लोग स्किप कर जाते हैं, जब तक आप भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, एक और हमारे बहुत ही प्यारे से मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट कह सकती हूँ मैं इनको, ऑफकोर्स वो है, क्या कह सकती हूँ, इस वक्त मौजूद है आके, अस्सलाम वालेकुम। के अपने बालों का स्टाइल देखो कितना खूबसूरत, कैसे आप? आई एम गुड, आप कैसे? और आखिरकार आप भी आ गए फ्रॉम लिप्स एंड टिप्स से हाकिम, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, तो किन किन सेलिब्रिटी का मेकअप किया आपने? मैंने ऑलमोस्ट सबका किया है, अभी रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट किया है एक्सप्रेस न्यूज़ पे, टाइम आउट विद एहसन खान, वो पूरा प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद अभी मैंने मूव किया है अपनी फ्रेंड के पास, डॉक्टर उज़्मा मकबूल के पास, जो कि लिप्स एंड टिप्स सलोन को रन कर रही हैं, तो अभी मैं वहाँ पर हूँ और मैं वो सलोन मैनेज कर रहा हूँ, एंड वहाँ पर मैं सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हूँ, तो वहाँ पे काफी सेलिब्रिटीज भी आते हैं, मॉडल्स भी आती रहती हैं, तो बस यही चल रहा है। अच्छा जी, ये बात है सारी। और आज ये बताएं, आपने ब्राइडल बनाई माशाल्लाह, तो इसका जरा सब थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। या श्योर, ओके, तो हम जी ये बारात की ब्राइड है, तो हमने इसका सॉफ्ट सा लुक दिया है, क्योंकि इनकी एज के हिसाब से हमने यंग लुक दिया है, लाइक ये यंगर लगे, ठीक है, ओके, तो हमने ऑलमोस्ट मेकअप कर दिया, लेकिन कुछ हमने चीजें छोड़ी हैं ताकि मैं बता सकूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप बताएं, सबसे पहले क्योंकि जो भी ब्यूटिशियन आती है, लाइक कि भाई अब बिल्कुल हमारे जैसे वॉश हुआ हुआ है चेहरा, उसके बाद फर्स्ट आपने क्या यूज किया, जैसे प्राइमर लोग यूज करते हैं, फिर बेस बनाते हैं, आपने सबसे पहले क्या किया, तो क्या हमारे नाज़रीन जिनको टूल्स यूज करने आते होंगे ना ब्यूटिशियंस को, उनके लिए कोई प्रॉब्लम, वो क्लिक करेगा जिनको नहीं आता उनके लिए? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको अपना फेस क्लीन करना है, लाइक आपको वाइप करना है टिश्यू से या फिर फेस वॉश करके, आपको सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, जो कि बहुत जरूरी है मेकअप के लिए। स्किन को मॉइस्चराइज करके आपने प्राइमर यूज करना है, आपके पोर्स जो ओपन होते हैं या फिर आपके स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं वो सेव हो जाते हैं प्राइमर से, तो वो प्राइमर आपको यूज़ करके फिर आपको थोड़ी देर के लिए आपको प्राइमर यूज़ करके छोड़ना है, लाइक 2 to 3 मिनट्स आपने छोड़ना है, देन उसके बाद आपने अपनी कंसील करनी है, आईज़ एंड डार्क सर्कल्स कंसील करने हैं, स्पॉट्स कंसील करके आपने उनको फिर बेस से कंसील करना है, ठीक है, आपने प्रॉपर बेस वगैरह लगा के फिर आपने अपना मेकअप स्टार्ट करना है,
इट्स अप टू यू कि आप लोग पहले आई मेकअप कर रहे हैं या बहुत बहुत से लोग पहले कंप्लीट मेकअप करके आई मेकअप करते हैं. इट्स अ टेक्निक, लेकिन ये कोई इतना इशू नहीं है, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं. चेहरे को फोकस किया जाए, जब वो बता रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ इधर हो रहा है ना. चेहरे को फोकस, सबसे पहले मैंने इनका कंटूर किया है, उसके बाद फिर मैंने उनका आई मेकअप किया है. तो मैंने आई मेकअप ग्लिटरी सा किया है, स्मूथ सा, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है. बता रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट, और साथ साथ देखिए आप स्क्रीन पर चेहरा भी नजर आ रहा है जी. ओके, तो लाइक ये मैं ये ब्लेंडिंग हो रही है अभी. अच्छा, आई पे कौन कौन सा, सबसे पहले बेस आई पे क्या लगाया था आपने? आई पे सबसे पहले आई बेस लगता है. आई बेस लगाने के बाद हमने आई को वन कलर से पहले कंसील करना होता है, ताकि हमारी आई कवरेज हो जाए. हाँ, कवरेज हो जाए. उसके बाद फिर हमने पहले कट क्रीज बनाना होता है, जो कि आई के लिए बहुत मस्त होता है. कट क्रीज बना के फिर हमने अपना स्टार्ट कर देना. क्या बात है जी, वाकई में. चले जी, हम लोग अभी चलते हैं. ऑफकोर्स ये लोग अपना काम करें, और साथ साथ मैं आपको एक जबरदस्त, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मेरा किचन सेगमेंट हो रहा था, और हम लोगों ने पालक पनीर यहाँ पर मौजूद है वो बनाई थी ऑफकोर्स. लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें, ऑफकोर्स हम लोग वर्किंग वूमेंस होती हैं, काम करते हैं, तो हम लोग बहुत बिजी रहते हैं. तो बिजी रहने की वजह ये है कि हम काम को भी देखना है, फिर घर को भी देखना है. तो उन लोगों के लिए कन्वीनियंट क्या हो सकता है? तो रेलिवेंट टू आज हमारे पास जो फूड मौजूद है वो बुचर्स गोल्ड मौजूद है, और ये इस वक्त टेबल पर मौजूद है. मैं आप दिखा रही हूँ आपको, स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, ज़रा इसकी कैप्चरिंग भी हो रही है. तो मैं इस वक्त इनके CEO, ऑफ कोर्स जब बात हो रही है तो मैं कुछ उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ताकि हमें फुल अवेयरनेस हो. क्योंकि कभी कभी हम लोग बाजार का जब गोश्त ले रहे होते हैं, उसमें मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, और बहुत सारे हाइजीन प्रॉब्लम्स भी होती है, लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है, सूट नहीं करता. आपने देखा होगा किस तरह जो है वो शॉप्स में क्या हाल हो रहा होता है. तो मैं कभी कभी खुद भी मुतमईन नहीं होती, बहुत दिल ख़राब होता है, पता नहीं वो किस किस प्रोसीजर से होता है. लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी, कुछ ब्रांड्स बहुत ऑथेंटिक होते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं. तो मैं चाहती हूँ कुछ अवेयरनेस ऐसी हो जो पॉजिटिव हो. जब मैं मुतमईन होंगी तो ऑफकोर्स आप लोग भी सेटिस्फाई होंगे. तो यहाँ पर कौन मौजूद है? मैंने स्पेशली गेस्ट बुलवाया है, यहाँ पर है CEO सैयद राफे सफदर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं. ठीक बस है? बस क्लास सर, मेरी आपका जो ये ब्रांड मैंने देखा, यूज़ किया, अच्छा लगा. थैंक यू. तो मुझे ये बताएं कि ये इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें, ताकि हमारे जो नाज़रीन देखें उनको इसकी अवेयरनेस हो, क्योंकि और बहुत सारे प्रोडक्ट तो आते ही हैं इससे रिलेवेंट. बिल्कुल. देखें जी, बेसिकली बुचर्स गोल्ड जो है ये तो हमने अभी ब्रांड आज से कुछ साल पहले स्टार्ट किया है. हमारा 1980 से एक्सपोर्ट के अंदर काम है, फ्रोजन मीट के अंदर, और हम दुनिया के कई ममालिक को, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, तो इन सब जगहों पे हमारी एक्सपोर्ट है फ्रोज़न मीट की. इसमें सी फूड भी है, चिकन भी है, और बीफ भी है. बट आज से कुछ साल पहले, जब कोविड स्टार्ट होने से तकरीबन 1.5 साल पहले, हम लोगों ने बुचर्स गोल्ड एक और कंपनी खोली, और हमने लोकल मीट सप्लायर रेस्टोरेंट्स के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, स्पेशली कराची में हम लोकेटेड हैं, तो उनके लिए एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का मीट सप्लाईज हमने स्टार्ट की. okay. ताकि लोग हाइजीनिक गोश्त, आपने जैसे बात की कि लोग दुकानों पे जाते हैं, और हमारे यहाँ कल्चर यही है कि जी मोहल्ले में, इलाकों में जो दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे सफाई का, किस तरह गोश्त कट रहा है, किस तरह पैक हो रहा है, उसकी उस पर तवज्जो नहीं दी जाती है. ठीक है. तो अब यही वजूहात हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ हमारे माशरे में बहुत फैलती हैं, जिसकी वजह से बहुत तरह के इश्यूज होते हैं. घर में बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनको जितनी साफ गिजा जाएगी वो उतने ही उनकी सेहत भी अच्छी होगी, बीमारियों से भी दूर होंगे. तो हम इन चीज़ों का ख्याल करते हैं. तो उस वो कॉन्सेप्ट था, वो वजह थी कि हमने सोचा कि कराची की आवाम को ख़ास तौर पर हम क्वालिटी गोश्त दें. और बहुत आसान है हमसे गोश्त लेना. आप ऑनलाइन जा सकते हैं www.butchersgold.com पे, और वहाँ जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर करें. हमारी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, जो मार्केट में चीज़ मिल रही है हम उससे 10% तकरीबन सस्ते हैं. हमारा ऑलमोस्ट सारे जो बेसिक आइटम है. ये तो आपने बहुत अच्छी बात की. एक और बात मैं पूछना चाहूँगी, क्वेश्चन ये कि ऑफकोर्स अभी रमज़ान भी आ रहा है, right. तो लोग कहते हैं पहले से चीज़ें कुछ, क्योंकि रोज़े right. में कुछ लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कुछ काम करने की, तो वो चाहते हैं कि यार ईजिएस्ट ये
मौजूद हो और हमने जैसे कबाब, अच्छा इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी है? हाँ जी देखिए, अब हमने क्या किया, एक तो कबाब है, क्या क्या जी, एक तो हमारे बेसिक आइटम होते हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं जिसमें रेगुलर कीमा बीफ बोटी होता है, फिर हमारे पास बहुत लंबी लाइन स्टेक्स की है जो कि हम रेस्टोरेंट्स को सप्लाई भी करते हैं और लोग घर में भी शौकीन है काफी ऐसी जो है जो बारबेक्यू करना चाहते हैं स्टेक्स, तो वो भी है, वो उनकी प्राइस जाहिर है उस आइटम के हिसाब से, क्योंकि स्टेक्स हर किसी के उसमें नहीं, हर कोई नहीं कंज्यूम करता। अच्छा, उसके साथ हम लोग फ्रोजन आइटम के अंदर आ गए जिसके अंदर शामी कबाब अभी हमने अगर आप दिखा सकें जो लॉन्च किए हैं, हमें काम करते हैं ओपन करके एक प्लेट में डिस्प्ले करते हैं थोड़ी देर, कोई इशू नहीं है। और उसके साथ हमारे बर्गर पैटीज हैं जो हम लोग रेस्टोरेंट्स को भी सप्लाई करते हैं जो रेस्टोरेंट्स पर बना के आवाम को देते हैं। देखिए बर्गर पैटीज के अंदर स्पेशली एक तो इसका जो मीट होता है वो ज्यादा टेंडर होता है कि वो जल्दी गल जाए विद इन 5 से 7 मिनट के अंदर जी, और उसके साथ इसमें एक फैट का परसेंटेज डाला जाता है ताकि वो जूसी रहे ताकि बर्गर खाने के अंदर, और उसके साथ इसमें मैरिनेशन हमारे स्पेशल शेफ्स हैं एक्सपर्ट जो क्या कहते हैं जी मद्देनजर रखते हुए, इसमें कोई मिर्चें या स्पाइस नहीं होती जो कि क्योंकि हम आवाम के लिए कर रहे हैं तो वो हमको ये देखना पड़ता है, केचप वगैरह में भी चिली जी वो आप अलग से ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके साथ हम लोगों ने हम और आइटम ला रहे हैं, इसमें हम चपली कबाब कोफ्ते वो मैरिनेटेड लाएंगे कि आप खाली पैकेट खोलें और उसको फ्राई करें, आपको कोई मसाला नहीं डालना आगे कोई चीजें उसके अंदर एडिशन डाल दें। ये जो कबाब है ऑफ कोर्स जैसे हम लोग तो ये तो शामी कबाब है और ये जी बीफ के हैं, हमने बीफ के अंदर रखा है क्योंकि चिकन के अंदर ऑलरेडी केएनएन मॉन्सल्वा और कंपनी है जो कर रहे हैं, तो बीफ के अंदर हमारा फोकस था, एक तो हमारी एक्सपोर्ट भी मेनली बीफ की है तो जी जी तो उस वजह से है हम लोग चाह रहे थे कि हम बीफ के अंदर ही इंट्रोड्यूस करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा मार्केट का रिस्पॉन्स है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अवेयरनेस दी, आपने हमें फिर एक बार फिर ज्वाइन करना है, थोड़ा हम अभी यही रहे आप हमारे साथ, आपके साथ चिटचिट है, ब्यूटी का थोड़ा सेगमेंट भी साथ साथ चल रहा है, आप सब भी मौजूद हैं और जबरदस्त आगे रमजान आ रहे हैं तो आप लोग फौरन बुचर्स गोल्ड पर जाएं और ऑर्डर बुक करवाएं। अच्छा जी, आप लोग भी बहुत बिजी रहते हो, ब्यूटिशियन सुबह जाती हैं 11 बजे रात 11 बजे तक, अब आप लोगों को भी बुचर्स यूज करना है, ये फ्रोजन फूड में यूज करना है, देखिए मैं आपके क्लाइंट बनाना शुरू कर दूंगी। जी हाँ बताओ, मेरा डन हो गया, मैंने स्टिक को सारे पूरा कंप्लीट कर लिया, अब मैं स्टिक निकालूंगी तो ये बटरफ्लाई। ओरे रफे देख रहे हो क्या जादू था? मुझे इतना नहीं है चीजों का, मगर हाँ जी बिल्कुल मैंने देखा जादू हुआ मैजिक हुआ यार, आउटस्टैंडिंग है, तुमने वैसे कैंप पता नहीं कैमरे ने उसको मुझे बताना था ना, दिखा दिया भाई, दिखा दिया स्टिक निकाली है और इसका चेंज कर दिया लोग, जबरदस्त आउटस्टैंडिंग। अच्छा इसके ऊपर अभी बीट्स वगैरह लगेंगे? बीट्स लगाऊंगी बस बीच में इसका ना, कोमल तुसी आ गया तो तुसी छा गए हो अच्छा लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारी ब्यूटिशियन, इतनी उनके अंदर टैलेंट है और इतना बेहतरीन काम प्रेजेंट करती हैं और ये मेहनत तलब है, ये जो क्लाइंट जाते हैं ना ये जी आप ये 2000 का पांच ही मेकओवर कर दें साथ में हेयर स्टाइल फ्री कर दें, तो हेयर स्टाइल में मेहनत की जरूरत है उसकी, बार बार उन्होंने कहा जैसे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, टाइम लगता है ऑफकोर्स, ऐसे नहीं कुछ हो जाता। इस जुड़े को कितनी देर लगती होगी मैक्सिमम, देखो एक आती है ना बंदी तैयार होने के लिए 15 मिनट, ये ज्यादा टाइम जो लगता है ना क्रम करने में लगता है, मेजॉरिटी का बाल बहुत हल्का होता है। नहीं मैं बताना चाहती हूँ कितनी मेहनत लगाती है ना डोंट से 15 मिनट में, डोंट यू से। अच्छा ज्वेलरी की जरा सा टर्न करे ताकि अच्छा कैप्चर हो रहा है, गुड। अच्छा टेबल पे सॉरी उसको रहने दे, उसको टर्न कर ले, इन्हें इधर आए आप, अगर आप इधर हो इसको जरा सा इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कर दो मेरी तरफ, ऐसे सही है, गुड चलें जी। हिना की प्रेजेंटेशन खूबसूरत और बेहतरीन, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, उधर ही जाओ अपनी जगह पे। अच्छा जी हम चल रहे हैं हाकिम साहब के पास। ओके सो मेरा भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये हाईलाइट के हमारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे चीक्स ग्लो करते हैं, आप देखिए ये जबरदस्त, ये है बारात की ब्राइट, और क्योंकि मॉडल निमरा का जो है वो एज जो है कम है तो इस वजह से हमने उसको मद्देनजर उस हिसाब से हमने उनकी स्किन की है, और आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है
तो उस हिसाब से हमने उनका मेकअप किया है जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है। अच्छा आजकल क्या चल रहा है वो बताइए, तो हमने ट्रेंड बोला तो ऐसे है क्या? ओके, तो आजकल ट्रेंडिंग में ये है कि जितना आप सिंपल जा रहे हैं, जितना आप सिंपल जाएं उतना बेस्ट है, जितना सॉफ्ट ग्लैम लुक चाहे। तो ये है वो 90s टाइप के जो पहले के मेकअप्स थे, तो आजकल वो बिल्कुल भी इन नहीं है, बिल्कुल भी इन नहीं है। अब जस्ट एक आजकल तो जस्ट ब्राइड्स रेड लिप कलर लेके और एक विंग लाइनर लगा लेती हैं, जो भी ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ हैं और वेडिंग की, तो आजकल ये ट्रेंडिंग में। लेकिन फिर भी हमने उसके हिसाब से काफ़ी हद तक मेकअप किया। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ना बिल्कुल जो आप बात कर रहे हो ना, मैं समझ रही हूँ कि बहुत सॉफ्ट टच में मेकओवर है। अच्छा, एक दिन आपने आने आके और प्रॉपर मेकओवर करना है, थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे तो इनको इस चीज़ का नहीं था कि यार टाइमिंग ड्यूरेशन हर चीज़ बड़ी काउंट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि इनका एक प्रेजेंटेशन हो जाए मॉडल की, और जो है उसके बाद हम बात कंटिन्यू करेंगे, सॉन्ग प्ले किया जाए। और आ जाओ निम्रा, आप इधर आ जाओ यहाँ पर टेबल के आगे, और आप बैठ जाओ हाकिम, और आप भी हिना बैठो, आप इधर आ जाओ। यस जी नाजिन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, और आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं। और हमें अगर आप भी टैलेंटेड हैं, यू हैव एनी स्किल्स, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, हुनर है, और आप ब्यूटिशियन हैं, आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हैं, लाइक कोई भी हैंडमेड चीज़ बनाती हैं, या आप समझते हैं कि कोई एक्स्ट्रा टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, आप किसी तरह भी टैलेंटेड हैं, यूथ है, और एजुकेशन लेवल पे बात करनी है, अपने किसी प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी है, तो ऑफकोर्स आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और नंबर है 03158248704। और इस वक्त हाकिम की प्रेजेंटेशन फ्रॉम लिप्स एंड टिप्स से आए थे, तो इनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है, और आप हमें जो है ऑफकोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी का एक और चीज़ बात बताना चाहती हूँ। बहुत जल्द एक हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वो क्या है, ब्यूटी सेगमेंट को प्रेजेंट करते हुए कुछ ब्यूटिशियन बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट होती है, बहुत प्यारा काम करती है, तो हम लोगों ने एक ब्यूटी प्रेजेंटेशन रिवॉर्ड रखा है आप लोगों के लिए। यू नो अबाउट, यू हैव आउटस्टैंडिंग वर्क, तो मैं चाहती हूँ आपका काम बहुत प्रेजेंटेबल है, तो सबसे पहले आप हमें व्हाट्सअप पिक्चर सेंड करें, ताकि हम आपको वहीं पर सेलेक्ट कर दें कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको लाइव यहाँ पर आपको एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन रिवॉर्ड देंगे, आपको एक शील्ड दी जाएगी जो गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस की जानिब से होगी, और PBI उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आर यू इंटरेस्टेड, तो आ रहे हैं ना आप हमारे इस ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पर 50-60 ब्यूटिशियन होंगी, कैसा लगेगा आप लोगों को, लेकिन कोशिश करेंगे। है ना, मैं सोच रही हूँ यहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी। अच्छा मिनाज़िन, एक बात बोलूँ कि डिफरेंट एरिया से मुझे कॉल्स वगैरह आती हैं, तो आप लोग, मैं पाकिस्तान से तो आती हैं ऑफकोर्स मुझे ये। अच्छा, के सारे पाकिस्तान की बात नहीं, ये पूरे मतलब दुनिया भर में देखा जा रहा है। कैसे बताती हूँ, मेरी मदर बिलोंग करती है इंडिया। अच्छा, ठीक है, मेरे सारे कजन्स वगैरह, मामू वगैरह, सब जो ददियाल ननियाल है, वो सब मेरा इंडिया में, तो इंडिया में भी हम लोग बात करते रहते हैं, सारी बातें रिलेटिव हैं। तो वहाँ पर जब मैंने उनको शो के बारे में बताया, तो वहाँ बैठ के उन्होंने बाकायदा देखा और मुझे बाकायदा वीडियो बना के मुझे भेजी कि हिना आ गई मॉर्निंग शो इंडिया में, इंडिया में बाकायदा है, इंडिया है ये, दिल्ली है, बल्ली मारन कहलाता है, चांदनी चौक मेन, बल्ली मारन है। अच्छा, तो वहाँ पे बहुत फेमस जगह है चांदनी चौक, तो वहाँ पे बल्ली मारन है, तो वहाँ पे बाकायदा ये टीवी पे आता है, देखते हैं बाकायदा सब। ये बड़ी ऑथेंटिक बात कर ली और इंटरप्ट भी कर लिया मुझे भाई, यानी कि पाकिस्तान में नहीं माशाल्लाह आउट ऑफ सिटीज, आउट ऑफ कंट्री में भी जो है हमारे विनस टीवी को देखा जा रहा है, और हिना को तो इनकी फैमिली ने देख लिया, और दुबई में मेरे नेफी हुए, मेरे भांजा है, उन्होंने भी देखा है, तो मेरे लिए बड़ी एक पॉजिटिव बात है। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगी कि अगर आप आउट ऑफ सिटी में भी हैं, अगर गुड मॉर्निंग विद सभी में आना चाहते हैं, इट्स प्लेटफॉर्म फॉर यू, ये आपके लिए हाजिर है। सॉन्ग रेडी है जी, पावे
नाज़रीन आपने देखा उस साइड सेंटर में हो जाओ सुनो उधर जी ये अभी आपने देखा लिप्स एंड टिप्स की स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स हाकिम ने की हाकिम बहुत प्यारा काम किया मैं स्क्रीन पर देख रही थी असल में मैंने एक चीज बड़ी प्यारी काउंट की है वो है बेस बट आउटस्टैंडिंग आपने कौन सी लगाई थैंक यू सो मच बेस मैंने एक्चुअली लगाई है सबसे पहले तो मैंने क्राइलॉन लगाई है जो कि बहुत उसकी कवरेज बहुत अच्छी है तो क्राइलॉन लगा के उसके बाद मैंने मुसर्रत मिसबा अच्छा मुसर्रत मिसबा ओके लाइक वेदर के हिसाब से वो बहुत परफेक्ट है तो आप लोगों को भी अगर मेकअप कराना है या करना है तो वो यूज करें एमएम फाउंडेशन आप जरूर यूज करें बिकॉज़ वो बहुत बेस्ट है ओके नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ मुझे कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन जो चीज है ना मेरी वो बेटी भी ब्यूटीशियन है ना उन तक बात पहुंचनी चाहिए मुझे ये मेरे लिए इन चीजों की कवरेज चीज हम कुछ अच्छा करेंगे तो ऑफकोर्स वो आगे से रिस्पॉन्स भी वैसा आएगा मैं वो चाहती हूँ अच्छा जी ये बताएं ना आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है क्या करना है वैसे तो हेयर स्टाइलिस्ट में मुझे आगे जाना है अभी क्लासेस दे रही हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है फेसबुक पे है कुछ आपका कुछ आईडिया नहीं फेसबुक पे नहीं इंस्टा पे हूँ लेकिन बहुत कम डालती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता सर्च करें हिना कोमल तो ऑफकोर्स चले जी ये बहुत अच्छा हो गया अच्छा मुझे जरा मैं चलती हूँ सर आप ऑफ कोर्स मैंने कहा पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है क्या सोच के ये आपने बुचर्स गोल्ड निकाला देखें आपसे मैंने ये बोला कि नज़रिया यही था कि आवाम को हेल्थ कॉन्शियस बनाएं हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे शामी कबाब हैं ये लो फैट और हेल्दी लोगों के लिए हैं तो हमारे पूरी दुनिया में लोग मोटापे से और इन चीज़ों से पर ऐसी चीज़ें खाना चाहते हैं कि वो मज़े की भी हों और हेल्थ कॉन्शियस भी हों ताकि उनका वज़न ना बढ़े तो हमारे आइटम्स ऑर्गेनिक बेस्ड है और क्या कहते हैं जो जानवर गिजा खाते हैं वो ग्रास फेड है तो मतलब इन चीजों को हम नजरिए में रखते हुए फिर हम प्रोडक्ट निकाला है तो जो भी शामी कबाब खाएगा एक इसमें फैट परसेंटेज नहीं है ये बिल्कुल रूखे गोश्त से बना हुआ है और उसके बाद हमारे और भी आइटम आप जाएंगे ऑनलाइन जब आप देखेंगे तो क्वालिटी है सफाई है कोई मक्खियाँ और इस तरह की चीजें ऐसी कोई भी चीज हमारे उसमें नहीं है अभी आप यू अभी तो आप कराची बेस्ड काम जी, कर रहे हो ना तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि यार हम इसको क्या सोचा है कि आउट ऑफ सिटी देखें हमारी लाहौर और कोयटा ऑलरेडी लाहौर कोयटा ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं अच्छा, जिनको हम बाय एयर मगर वो रेस्टोरेंट्स के लिए भेजते हैं रेस्टोरेंट्स की क्वांटिटी बड़ी होती है तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 45 रेस्टोरेंट्स अब हमारे पास हैं जिनको हमारी सप्लाई ऑलरेडी जारी है ठीक है तो और ये हमने तकरीबन 3 साल के अंदर रेस्टोरेंट्स को फोकस करके एक्सपैंड किया है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम अगले साल डेढ़ साल में तकरीबन 100 रेस्टोरेंट्स तक पहुंच जाएं बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी अपने किचन सेगमेंट में ऑफकोर्स जो है लोगों को बताऊं कि वो लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं और इसको अपने घर में भी मंगवा सकते हैं और इसका बिजनेस भी कर सकते हैं अगर आपके प्रीमिसेस में कुछ ऐसे लोग होते हैं ऑफकोर्स जैसे अभी आपने कहा रेस्टोरेंट्स आपसे रेस्टोरेंट क्लाइंट आपसे बन सकते हैं ऑफकोर्स बिल्कुल ऐसा ही है जी हम ऑल ओवर कराची हमारी सप्लाई है और सी फूड के ऊपर भी है मगर वो एक्चुअली हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा अभी तक उसका फोकस है अभी हम बीफ चिकन हम घरों पर जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आएंगे स्लोली ग्रेजुअली कुछ खाने का आइटम है तो इसको हम बहुत एक एक चीज को उस ख्याल से लेके करना पड़ता है अभी हम चिकन सप्लाई कर रहे हैं रेस्टोरेंट को बीफ सप्लाई कर रहे हैं मटन सप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 आइटम जो कि बहुत ही कॉमनली हर घर में इस्तेमाल होते हैं और तो वो हमारा है इंशाल्लाह ताला आगे भी इसको एक्सपैंड करेंगे और हमारी है मैं कहूँगा हेल्पलाइन भी है अगर कोई कॉल करना चाहे कोई रेस्टोरेंट है या फिर आप बता दें हेल्पलाइन क्या नंबर है 0316-232-0076 जबरदस्त हो गया ना और आपने अनाउंस भी कर दी है हम चलते हैं हिना की जानिब हिना स्टाइल आपने बनाया ये स्टाइल आपने बनाया अच्छा कुछ लोग मुझे ये बताएं मैं अपना स्टाइल कभी कभी खुद बना लेती हूँ कभी कभी नहीं बनाती तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए कि वो अपने स्टाइल आपने तो स्कार्फ ओढ़ा हुआ ना आपके लिए तो टेंशन खत्म हो गई लेकिन हम जैसे ऑफ कोर्स वर्किंग वुमेन्स हैं तो वो कैसे बना सकती हैं वर्किंग वुमेन्स के लिए मैंने वाटरफॉल्स बताई थी कि बंद खुद भी आप इसको बना सकते हैं कुछ पता नहीं क्या फूल बूटियां लगा दी है बड़ा प्यारा इन्होंने बैंड बनाया और मेरे बालों को यानी कि अगर क्विकली अगर आपने कहीं जाना है और कुछ नहीं बन रहा
तो देन ये इन्होंने ही मुझे क्रिएट किया, खुद ही लेकर आई हैं और कह रही हैं सभी इसको कभी कभी जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम हो, यू हैव जस्ट ओनली 10 मिनट्स, तो आप अपना मेकओवर भी आप बड़ा सॉफ्ट करती हैं, तो ये जो इन्होंने मेरा आज किया, बैंड लगा सकते हैं, बैंड भी लगा सकते हैं, बैंड ना कीजिएगा बैंड लगाइएगा मेरी हंसी मजाक में बात। अच्छा जी हाँ, यानी कि क्विकली क्या बन सकता है? वाटरफॉल बन सकता है और थोड़े से कर्ल्स आगे के, जैसे मीडिया कर्ल्स होते हैं वो हम कर्ल्स यहाँ से दे सकते हैं, और आयरन तो बस सिंपल चलता है कि बस आयरन कर लिया तो फौरन निकल गया, लेकिन आयरन में भी टाइम लगता है। अच्छा। आयरन में करने में, क्योंकि सेक्शन वाइज करने में जब हम सेक्शंस लेते हैं ना तो बहुत टाइम लेता है, अगर प्रॉपर पूरा आयरन करना हो तो आप ऐसा करें फिर वाटरफॉल बना लें या फिर बैंड लगा के इस तरह आगे से थोड़े से कर्ल्स कर लें तो वो भी बहुत क्विकली 5 मिनट। ओके हाकिम, आपके पास ऑफ कोर्स लिप्स एंड टिप्स, आप पूरा हैंडल कर रहे हो, मेरे को आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जी मुझे कुछ कहना था जी, एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि अभी आफ्टर कोविड के बाद हमारे साथ कुछ इश्यूज हो गए हैं जो कि काफी आवाम परेशान है, तो उसके लिए हमने उनके लिए बहुत अच्छे पैकेजेस डील्स निकाली हैं, तो आप लोग जरूर आइए विजिट करें, और हमने प्रॉपर ऑल ओवर मेकअप, ब्राइडल जो है, वलीमा मेकअप है, जो भी मेकओवर्स हैं सब पे हमने 50% ऑफ लगाया हुआ है, एंड हमारे पैकेजेस जो चल रहे हैं बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, हाइड्रा फेशियल वगैरह। आई नो मैंने देखा। अच्छा हम बहुत जल्द लिप्स एंड टिप्स जाएंगे और पूरी उसकी कवरेज, क्योंकि बहुत बड़ा सैलून है इनका और आज से नहीं है, कई सालों से लिप्स एंड टिप्स जो है काम कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी हम लोग किसी दिन पूरा लिप्स एंड टिप्स विजिट करें, क्योंकि इनका हाइड्रा फेशियल इतना जबरदस्त है और मैंने करवाया भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा इनका मैनीक्योर पेडिक्योर फिर मेहंदी हर जगह के इन्होंने एक पोर्शंस बनाए हुए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग एक काम करेंगे किसी दिन, फिर आप उधर ना बहुत सारी ब्राइड्स प्रेजेंट कीजिएगा, एक वैरायटी मिलेगी लड़कियों को सीखने का भी, उधर डेमो भी कर लेंगे, तो पूरा 2 घंटे का शो आपके साथ इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच टीना, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे जानी? बस मैं ये कहूंगी कि जब सीखना है ना आप, तो आगे की तरफ लेटेस्ट चीजें सीखें, ताकि आगे बढ़ने का सबसे पहला कदम यही है कि जब आप लेटेस्ट चीजें सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छी बात की है कि आप जो अभी नए जो टेक्निक्स आ रही हैं, हेयर स्टाइल की हो या मेकओवर की, ऑफकोर्स आप नई नई टेक्नोलॉजी में ऑफकोर्स आगे जा रहे हैं तो सीखना चाहिए। थैंक यू, आप लोगों का ब्यूटी सेगमेंट यहाँ पर होता है खत, और हम चलते हैं राफे की तरफ। राफे जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ देखें जी, बस मैसेज मेरा ये है कि हम बुचेस गोल्ड से हमारी जो ख्वाहिश है और कोशिश है वो ये है कि हम आवाम के लिए आसानी पैदा करें आगे आने वाले वक्त में, और अभी अभी हम लोग ऐसे आइटम निकाल रहे हैं कि लोगों को घर में खाना पकाने में जो टाइम ख्वातीनों को 2-3 घंटे डेली वेस्ट होता है वो ज़ाया ना हो, और 15 से 20 मिनट के अंदर उनकी डिश तैयार हो जाए। हम पूरी मैरिनेटेड लाइन एक और भी लॉन्च कर रहे हैं, ऑलरेडी हम 2-3 आइटम हम निकाल चुके हैं, हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे butchersgold.com पे या फेसबुक पे भी हमारा बुचेस गोल्ड से नाम पेज है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आपने सिर्फ करना ये होगा कि वो वैक्यूम पैक्ड होगा जो हमारा मीट होता है, जिसमें जरासीम पैकेजिंग के बाद एंटर नहीं हो सकता। अरे ना, बात ही खत्म हो गई। देखो यूएस सीईओ बिल्कुल बुचेस गोल्ड से और खुद मौजूद है, ऑथेंटिक बात करें, स्क्रीन पर बैठ के बात करें, कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब हम तो मिल नहीं सकते, ऑनलाइन चीज जा रही है, ये गारंटी के जी बिल्कुल, आप चेक करके पैसे दें, बिल्कुल बिल्कुल हमारी पॉलिसी ये है, आपके पास जब आएगा आप पैकेजिंग चेक करें और फिर आप पे करें, हम एडवांस पेमेंट नहीं लेते, हमें उसकी जरूरत नहीं है, और उसमें खाली ये है कि जी सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आगे आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए, आपने पैकेट खोला, फ्राई किया और 15 से 20 मिनट में आपकी डिश तैयार, तो आपके ये घंटों की मेहनत को बहुत हर चीज बिल्कुल रेडी टू कुक होगा, वो रेडी टू कुक हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये सेव है आपको सेहत के लिए। सर बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ अच्छा लगा, आपने बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी हेल्थ से रिलेवेंट। जी नाज़रीन, जाने का टाइम हो गया है, और जाते जाते मैं चाहूंगी कि मैं मिली थी, ऑफकोर्स मैं गई थी लकासा वन मॉल में, उनका पैकेज बिल्कुल रेडी रखे, क्योंकि मैं अभी खुदाफिस करने वाली हूँ, और जाते जाते मेरी प्यारी बहन ज़ैनब ने जो एक जबरदस्त पालक पनीर जो है उसकी प्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ के गई है, क्योंकि उन्होंने बना ली थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।